अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। आप देख रहे हैं अहमद फैमिली टीवी। अपना एक बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही दुख और दिल को दहला देने वाली न्यूज़ है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं, सुनने में आई डोंट नो कि अल्लाह करे वो सही हों और उनकी हालत और सेहत वो कायम दायम हों, लेकिन सुनने में आया है कि वो एक कंट्री गए थे, एक मुल्क गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह किया और वापसी में जब उनका हेलीकॉप्टर जो है वापसी की तरफ जा रहा था तो पहाड़ों पे रास्ते में वो हेलीकॉप्टर में को मसला आ गया और वो क्रैश हो गया। लोगों ने किसी ने कहा कि मौसम ख़राब है, ये है वो है, लेकिन अभी मालूम ये हुआ है कि वो मलबा तो मिल गया है हेलीकॉप्टर का, लेकिन जो असल दुख देने वाली न्यूज़ है ये है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग जो हैं वो उनमें से कोई एक भी शायद नहीं बचा है। तो अल्लाह करे कि वो बच गए हों और उनकी सेहत ठीक हो। हम सब दुआ करते हैं, आप भी करें, लेकिन ज़्यादा न्यूज़ यही है कि शायद वो ईरानी सदर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अगर ऐसा है तो उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करें और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे। पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लीडर, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो उनके हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ है। तो आगे अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अल्लाह करे कि वो बच गए हों, लेकिन देखने में आया है कि शायद ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।